3883 ने मंत्रालय अम्बेडकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा की, साथ ही किसानों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त यूरिया उपलब्ध हो इसकी भी चिंता करने को कहा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने जौलपुर में औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। उन्होंने उद्यमियों से भविष्य को देखते हुए नई सकारात्मक सोच के साथ काम करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 94% हुआ। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 7756 हुई। फिर भी दीपावली और सर्दी के मद्देनजर विशेष सावधानी की आवश्यकता है, कहा मुख्यमंत्री ने। राज्य खेल अकादमी में बोर्डिंग स्कीम के तहत कुल 257 खिलाड़ियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने लिया जायजा, साथ ही निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन भी किया। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए पूरे जिले में राजस्व शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नारायणगंज मवई में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। दीपावली पर्व के मद्देनजर अब मिठाइयों के निर्माण एवं भंडारण पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके तहत बिछिया स्थित सभी मिष्ठान भंडारों में खाद्य अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा पहुंचकर जांच की गई। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बम्होरी में महिष्मती ट्राइबल कॉमर्स प्रोड्यूसर कंपनी की कोदो कुटकी एवं दाल की मिल का शुभारम्भ किया और इसका निरीक्षण भी किया। स्वदेशी अभियान महाकोशल प्रांत के प्रांतीय सह संयोजक अंशुल शुक्ला स्वदेशी अभियान पर 7 नवंबर को अपनी बात रखेंगे। यह आयोजन स्थानीय गायत्री मंदिर में रखा गया है। पशुपालन विभाग के उप संचालक ने किया मवई विकास खंड के ग्रामों का दौरा। इस दौरा कार्यक्रम में उनके साथ विभाग के स्थानीय अधिकारी गणी मौजूद रहे। आरडी कॉलेज मंडला में छात्रों ने किया हंगामा। स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के करीब 350 छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं। इन्होंने महाविद्यालय में सीट बढ़ाने की मांग की।